गाना के साथ आता है, गाना नहीं करते थे हाँ, था ऐसा था गाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे, ये तकियू फीज मेरी गोद में सर रख के टेक सर रख के लेट कर यतरउल कुरान कुरान पढ़ते थे। और गाना आयशा महज का है, आयशा रजी अल्लाह क्या अरे बैठ के पढ़ो बैठ के पढ़ो, क्योंकि ऐसे देख के भी पढ़ने का दिल हो रहा है, अपने आप को दूर मत रखो। यहाँ क्या आया मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के साथ भी मत गुजार रहे, बीवी के साथ भी तो वक्त गुजर रहा है, अल्लाह के साथ भी जुड़े हुए हैं। अगर मान लो बिल्कुल सीधा सीधा रख के पढ़ते तो बीवी और बोली अरे मेरे शौक के पास मेरे टाइम ही नहीं, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी के साथ भी जुड़े हुए हैं अल्लाह के साथ भी जुड़े हुए हैं, दोनों का हो रहे हैं और कोई हर्ज नहीं। देखो कि हदीस है, देखिए अपनी आंखों से देखिए सही मुस्लिम किताब है। तो यहाँ क्या मामला है कि आज क्या है ना इतना मुश्किल बना दिया ना, अरे मेरे भाई कहाँ हो आप, मुश्किल क्यों बनाते, ट्रेन का इंतजार कर रहे हो निकालो, आजकल तो मोबाइल में माशाल्लाह कुरान के ऐप आ गए हैं हाँ, एंड्रॉइड फोन वगैरह है किसी के पास तो नेमत है, उसके अंदर डाल दो ब्यूटीफुल कुरान एक आता है ऐप ब्यूटीफुल कुरान, उसके अंदर वर्ड टू वर्ड कुरान भी है, यानी अगर आपको कुरान के बहुत सारे वर्ड्स मालूम है तो उसके अंदर पढ़ते पढ़ते तिलावत करते करते अगर नजर बाहर भी थोड़ा डाल लें कि ये वर्ड नहीं मालूम था उसके वर्ड की मीनिंग देख लें तो अलहमदुल्ला उससे पढ़ते पढ़ते अरबी भी आने लगता है, कुछ अल्फाज पकड़ने लगता है। एक ऐप आता है तफसीर प्रोफेसर तफसीर प्रो, उसके अंदर पूरा इब्न कसीर की पूरी तफसीर माशाल्लाह मौजूद है, और पढ़ते पढ़ते अगर कोई एक वर्ड मुश्किल है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर उसका पूरा ग्रामर वर्ड का बता देता है, ग्रामर में किसी को चाहिए। ऐसे ऐप्स है, दिखाओ ट्रेन में हो एक घंटा सफर करना है, पूरे रश में खड़े हुए हो मोबाइल बाहर निकालो पढ़ने लगो कौन रोक रहा है। यहाँ क्या हुआ था, कुरान से दूर करने की स्ट्रैटेजी है कि इतना डरा दो ना आदमी को कि कुरान पढ़ने से पहले आदमी 50 चीज चेक करेगा हाँ, फिर कुरान पढ़ेगा नहीं, इससे क्या होता है दूर हो जाता है आदमी। ये नहीं कह रहा हूँ अच्छे से बैठ के पढ़ लो, पढ़ो वैसे भी पढ़ो, लेकिन अगर ऐसे भी पढ़ना है तो पढ़ने में कोई कौन रोक रहा है, ऑफिस में हो थोड़ा फ्री हो डेस्कटॉप पे कंप्यूटर कुरान शुरू कर दी वहां पढ़ जाओ हाँ, कितनी सारी चीजें आज पॉसिबल है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग पूरा गौर से देख रहे हैं क्या बोलते हैं, मेरे भाइयों अपनी जिंदगी में ले आओ कुरान को क्योंकि शिफा है, कि डेली का कोटा जो है ना जितना ज्यादा शिफा हो उतना दिल साफ रहे, और दिल अच्छा रहा ना सब हमारे अच्छे रहेंगे। तो कुरान पर पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, और ये गुलाल अशरू मिनू में अभी जो लोग ईमान लाते हैं ना कुरान पर ऐसे ही होते हैं पढ़ते आते हैं जहाँ मौका मिला पढ़ते हैं हाँ, जितना वक्त मिला पढ़े जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो, और पढ़ने की कोशिश करो बल्कि डेली के तालुक से मेरे भाइयों हर आदमी को ये कोशिश करना चाहिए एक पारा डेली का हो, हकीकत जिंदगी भर एक पारा डेली का हो, क्योंकि हमें ऐसी बॉडी वाली हदीसें मिलती है कि 30 दिन में कुरान खत्म करना चाहिए, ऐसी हदीसें मौजूद है। तो ये सिर्फ रमजान के तालुक से नहीं है, साल भर का है कोटा एक एक पारा का डेली का टारगेट बनाओ, और नहीं हो तो वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। तो ये क्या चीज है कि ज्यादा से ज्यादा पूरा टाइम जो हमारा जितना होना और कुछ इतना ज्यादा टाइम भी लगता है एक बार हैबिट में आ गया तो लगभग कुछ नहीं। अगली चीज पहला पार्ट क्या था, ईमान ना ईमान भी नहीं है तो कोई बात फर्क नहीं, कहा ईमान सबसे पहले, उसके बाद पढ़ना सही तजवीद के साथ पढ़ना, नंबर तीन समझना और गौर करना, बाद में फिर से पूछूंगा आप लोगों को बताना बाद में पूछना, चौथा पॉइंट तफसीर के साथ पढ़ना कुरान की तफसीर। मेरे भाइयों कुरान कैसी किताब है, अल्लाह ताला ने कुरान को ऐसे डायरेक्टली जैसे आसमान से भेजा नहीं, कुरान के साथ साथ अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजा, और वो कुरान के एक्सप्लेनर एक्सप्लेनर कुरान की आयत है सूरह नहल की सूरह 16 आयत नंबर 14 अल्लाह ताला ने बताया कि वंसना इलैक दिक्रा हमने पैगाम आप पे भेजा रास्ता, तो मेरे भाइयों
कुरान के साथ साथ कुरान का एक्सप्लेनेशन अब क्या होता है, कुरान की बाज आयतें दूसरी आयतों की तफसीर होती है, कुछ आयतें दूसरी आयतों की तफसीर होती है। जैसे मिसाल के तौर पर सूरह बकरा के आखिर में हम क्या पढ़ते हैं, ला तुफर्रिकू बैना अहदिन मिन रुसुलिही, हम रसूलों में फर्क नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में भी कहा है तिल्क रुसुल, वो रसूल फद्दलना बादुम अला बाद, बाज को बाज पर हमने फजीलत दी। अब पता चला पहली आयत पढ़ के ऐसा लगा कि हम बाज फर्क नहीं करते, उसका क्या मतलब है बाज को बाज पर फजीलत दी, यानी क्या ईमान लाने के अतबार से हम किसी पर फर्क नहीं करते, सब पे ईमान लाते हैं, लेकिन बाज रसूलों का दर्जा रसूलों से ऊपर है। तो कुरान की बाज आयतें दूसरी आयतों की तफसीर होती है, हदीस से तफसीर होती है, कुरान की हदीसों में तफसीर होती है, सहाबा के आसार में सहाबा जो बोल रहे हैं उसमें तफसीर होती है, क्योंकि कुरान सिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो किसको सिखाया, सहाबा को सिखाया, आप और मैं तो मौजूद ही थे, सहाबा मौजूद थे, तो जो सहाबा ने समझने के बाद जो बोले, जैसे मिसाल के तौर पर सूरह काफ की आयत है सूरह 50 आयत नंबर 16, अल्लाह ताला ने कहा कि वो तुम अल्लाह तुम्हारी शहर से ज्यादा करीब, या जैसे कुरान में सूरह हदीद की चौथी आयत है वो हुआ माँ को वही ना तो तुम जान रही हो अल्लाह तुम्हारे साथ। इस आयत को समझाते हुए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा आलिमु बिकुम वही ना तुम, इस आयत का मतलब है कि तुम जान रही हो अल्लाह के पास इल्म, इल्म के अतबार से, जात के अतबार से अल्लाह से पूछते हो, इल्म के अतबार से तुम जान रही हो अल्लाह तुम्हारे साथ। तो मतलब कुरान की तफसीर कुरान से, कुरान की तफसीर हदीस से, कुरान की तफसीर सहाबा के आसार से, फिर कुरान की तफसीर ग्रामर को भी देखेंगे चौथे नंबर पर, पहले नंबर पर नहीं, और फिर हम देखते हैं ये चार को देखने के बाद इनके दायरे में रहकर आदमी गौर करे तो अकल के अतबार से भी सोच सकता है, लेकिन चार के बाद नंबर वन पे नहीं। और बाकी कुछ लोग होते हैं जो नंबर वन पे अपनी अकल को लाते हैं, कुरान में दिया है ना वसीला, कुरान में दिया है भाई नाम ने तो खुदा बहुत तबो ही नहीं वसीला है, ईमान वालों अल्लाह से करो, अल्लाह से कुर्बत का वसीला इख्तियार करो, सूरह मादा की आयत वसीला इख्तियार करो। अब वसीला लफ्ज़ कुरान का इसकी मीनिंग क्या है, हाँ कुरान में दी ना मीनिंग हदीस में है ना, तो करीब आने की सारी चीज़ें, सबसे पहले तो सारे हमारे अमाल हमें अल्लाह के करीब ले आते हैं, फ़राइज़ से अल्लाह के करीब आते हैं, नवाफिल से उससे करीब आते हैं, हाँ और तरीके में वसायल वसीला में हम देखते हैं कि जायज़ वसीले हैं, जैसे अल्लाह के नामों से पुकारना कि अल्लाह तो मेहरबान है रहम करने वाला मुझे माफ़ कर दे, या किसी नेक जिंदा इंसान से कह रहे भाई हमारे लिए दुआ करो, ये भी जायज़ और साबित वसीला है, या मिसाल के तौर पर अपनी नेकियों के वसीले से कि अल्लाह मैंने फला नेकी की लेकिन सिर्फ तेरे लिए की तू मुझे माफ़ कर दे, तो नेकी के हवाले से, लेकिन कुछ लोगों ने वसीला का मतलब ये कुछ मीनिंग बताए, हाँ जो कुरान में नहीं हदीस में नहीं, लफ्ज़ कुरान का मीनिंग खुद की, लफ्ज़ कुरान का मीनिंग खुद की वो है नहीं, तो अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अल-मिराउ फिल कुरान कुफ्र, अल-मिराउ फिल कुरान कुफ्र, अल-मिराउ फिल कुरान कुफ्र, फमा अलिमतुम, जो तुम जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान के बारे में अपनी अटल से अपनी अकल से कुछ भी कहना कुफ्र है, कुछ भी बोलते हैं कुरान की आयत का ये मतलब है, इस तरह से कहते हैं ऐसा ही कुफ्र है। तीन बार कहा फुकहा जो तुम जानते हो उसमें चलो और जो तुम नहीं जानते हो फरुद्दुहू इला आलिमी, तो जानने वाले से पूछो, नहीं मालूम है जानने वाले से पूछो। तो ये क्या है, जैसे ऐसा हुआ अमेरिका में एक फिरका है जिन्होंने अपनी तरफ से कुरान के बारे में कुछ भी कह दिया, इतनी अजीब सी बात कही कहा कुरान सिर्फ इस्लाम सिर्फ काली चमड़ी वालों के लिए, ब्लैक्स के लिए, गोरे लोग मुस्लिम नहीं हो सकते और सारे गोरे लोग जाने जा रहे हैं, उनका अकीदा है नेशन ऑफ इस्लाम की फिरका है, कुरान की आयत से मीनिंग निकाल रहे हैं, हालांकि मीनिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ऐसे कुछ थोड़ी निकल सकते हैं अल्लाह के कलाम से। तो हम देख रहे हैं चौथे नंबर पर तफसीर की तरफ रेफर करना, और अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर वाली किताबें हैं, मोबाइल भी डाल सकते हो, उर्दू में भी है। तो मेरे भाइयों ये क्या है, ये चौथी चीज है तफसीर की तरफ रेफर करना। पांचवी चीज हम देखते हैं कि आप ये चार तो कर रहे हैं, अमल करना, कुछ पता चला तो उसे उस पर अमल करना, कुछ मालूम पड़ा उस पर अमल करना, और अमल करने में पीछे नहीं रहना। अल्लाह ताला कुरान में सूरह बकरा में कहा सूरह दो आयत में सोचे या ये बती नाम लो ऐ ईमान वालो खुद खुदो फिर से निकाफ का इस्लाम में पूरी पूरी तरह से दाखिल, इस्लाम में पूरी पूरी तरह से दाखिल हो जाओ, वला तत्वीर खुदवाते शैतान शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, इन हम देखो मातूम मुनी तो तुम्हारा खुला हो चुका। मेरे भाइयों अमल, अब एक बात मालूम पड़ी उस पर अमल में आगे बढ़ना, अमल में पीछे नहीं रहना, हाँ एक चीज मालूम पड़ी एक चीज पर अमल करें, दो मालूम पड़ा दो पे अमल करें, पीछे नहीं रहना अमल के मामले,
ये सब कर रहे हैं, इसके अलावा क्या है? हम देखते हैं छठे नंबर पर कि कुरान का पैगाम लोगों तक पहुंचाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खैर को मन तालम अल कुरान व अल्लमह, तुमने सबसे अच्छे वो लोग जो कुरान को पढ़ते हैं और उसे सिखाते हैं, सीखते हैं सिखाते हैं, ये बेहतरीन चीज। सबसे अच्छे कौन है? जो कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह फुरकान सूरह 25 आयत नंबर 52 आखिरी आयत सूरह फुरकान की कहा वो जाहिदु बिही जिहाद कबीरा, इस कुरान से बहुत बड़ा जिहाद करो। कौन सा जिहाद है कबीरा? वो क्या है? पहुंचाना। कुरान से जिहाद करो यानी कुरान को पहुंचाओ, ये बहुत बड़ा जिहाद है। तो पैगाम को पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, हादा बलागुल लिनास, ये पैगाम है सारे इंसानों के लिए। किसके लिए आया है? सारे इंसानों के लिए आया है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मोमिनों के लिए है ये पैगाम, नहीं कहा, कहा सारे इंसानों के लिए। अब सारे इंसानों के लिए है और हम लोग पढ़ रहे हैं कुरान में, जब सुनते हैं आप तो अल्लाह ताला कहता है, सुना है आपने तरावी में सुना, इमाम साहब कई बार तिलावत करते हैं, या अहले किताब, ए अहले किताब, किससे अल्लाह ताला कलाम कर रहा है? ए अहले किताब जब कहा तो किससे कलाम कर रहा है? अब मस्जिद में कोई अहले किताब नहीं, तो फिर मतलब क्या है? अल्लाह ताला ने कहा कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब, तो कहो कौन कहेगा? ये ईमान वाले तो कहेंगे, हमारे तो काम है अहले किताब तक पहुंचाएंगे। किसके लिए आया पैगाम? अहले किताब के लिए आया है। हां कुल या अय्युल लदीना हादु, कहो अय यहूदू यहूदी, कुल या अय्युल काफिरून, कहो अय काफिरों इनकार करने वालों, तो हमें पैगाम पहुंचाना है। हाद बलागुल लिन्नास, तो ये पैगाम सारे इंसानों के लिए, मेरे भाइयों सारे इंसानों तक पैगाम पहुंचाना है जैसे पहुंचा सकते। लोगों ने एक मैसेज को आप बीच में फॉरवर्ड कर रहे थे, कह रहे थे कि कयामत की निशानी में से है कि कुरान को लोग अपने हाथ से निकालेंगे, इसीलिए कुरान की आयतों को एसएमएस में मत डालिए फॉरवर्ड करो, क्योंकि लोग एसएमएस को डिलीट कर देते हैं, इसी वजह से कुरान की आयत को एसएमएस में डालिए मत फॉरवर्ड करो, व्हाट्सएप में डालिए मत फॉरवर्ड करो, डिलीट कर देते हैं। पहले तो कयामत की ऐसी कोई निशानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि लोग कुरान को हाथ से मिटाएंगे, कहाँ से लाए हो? नंबर दो, जो आदमी डिलीट भी कर रहा है उसे पैगाम को डिलीट नहीं करना चाहिए, कुरान के पैगाम को दिल से डिलीट नहीं करना चाहिए, तो गलत है। लेकिन अभी मैसेज बॉक्स फुल हो गया है और कोई डिलीट करता है जिसकी नीयत ही नहीं कि पैगाम को डिलीट करे दिल जान से, तो क्या है मामला? मैसेज अगर डिलीट नहीं करेंगे इनबॉक्स फुल हो गया है तो और कैसे आएंगे? तो मेरे भाइयों ये क्या है ना, वही चीज़ है जो सही चीज़ करने के लिए कोई काम नहीं है तो गलत चीज़ों में जज्बे लगा देते हैं। वो जो जज्बा तो है दिल में कहीं ना कहीं लगेगा, सही चीज़ पे जज्बा नहीं लगेगा तो गलत चीज़ों पे लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग अच्छा सा रेशम का कपड़ा लेते हैं, उसमें कुरान को अच्छे से लपेटते हैं, लपेट करके बिल्कुल ऊपर रखते हैं, इससे क्या है? इज्जत तो दे रहे हैं, लेकिन अच्छी इज्जत क्या होती है कि करीब की शक्ल रखते हैं तो ज़्यादा इज्जत होती, इतना अच्छे से लपेटते हैं कि पता नहीं सोचते आदमी के दिखाऊंगा तो वापस अच्छे से लपेट के रखना पड़ेगा, बहुत काम है रख दो, हाँ उल्टा दूर हो जाता है उस चीज़ से। तो मेरे भाइयों जो करने की चीज़ है वो तो करते नहीं, और जो साबित नहीं है ना वहाँ बहुत जज्बा है। जैसे देखो ये मैसेज बहुत कई लोग फॉरवर्ड कर रहे थे, बोले तो कयामत की निशानी पहले चेक तो करो, सही बात है गलत बात है चेक तो करो। तो उसी तरह आज कुरान जो इस्तेमाल किया जाता है तो क्या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एक तो किसी का आपको मर रहा है, इंतकाल हो रहा है लेकिन जांच नहीं जा रही, मौत नहीं हो रही, तो उससे कुरान निकालो और बोले सूरह यासीन को, इससे जान निकल जाएगी। तो जान निकालने के लिए इस्तेमाल करता है तो जिन निकालने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन सही बात क्या है कि ये सूरह यासीन के बारे में सही बात नहीं, सूरह यासीन के बारे में कि जान निकलने में आसानी होती है वही सनद सही है, तो जो साबित नहीं है फिर भी। और जिन निकालने की जहाँ तक बात है तो हाँ शिफा तो है, तो शिफा में मैंने आपसे सवाल पूछा था कौन सी बीमारी की शिफा है, देखें दिल की बीमारी, दूसरी ये रूहानी बीमारियों का भी शिफा है, रुकिया रुकिया के तौर पर हम रुकिया कर सकते हैं, कुरान में शिफा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि कुरान को पढ़ सकते हैं। रुकिया के ताल्लुक से रूह ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आबी तलैया रुका, तुम्हारे रुकिया को मेरे सामने पेश करो, ला बासफ रुकिया मालम यकुन फी शिर्क, से मुस्लिम की हदीस है रुकिया में कोई हर्ज नहीं है जब तक उसमें शिर्क नहीं है, शिर्क नहीं है तब तक रुकिया में कोई हर्ज। जैसे मिसाल के तौर पर जिक्र में कायदा क्या है? जिक्र में कोई बोले कि मैं इबलीस इबलीस जिक्र करूँगा, कुरान में है ना इबलीस का नाम, नहीं कर सकता,
क्यों? कुरान का लफ्ज है लेकिन नहीं कर सकता है, जिक्र में कायदा है वही जिक्र कर सकता है जो कुरान में किसी साबित। जैसे कोई बोले टॉयलेट में जाने से पहले मैं कुरान लावा पढ़ूंगा कि चले, तो क्या है दुआ? कोई दुआ पढ़े, जिक्र में कायदा है बिना दलील के नहीं कर सकते, करेंगे तो बिदअत हो जाएगा। लेकिन रुकिया में क्या है कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तासफिदु, क्या रुकिया में हर्ज नहीं, यानी कुरान की कहीं से भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं, मानव के कुछ फिर शिर जब तक उसमें शिर ना, तो ये चीज में कोई हर्ज नहीं। अब कुरान में शिफा है, लोग क्या करते हैं सारी चीजों में आप देखिए गलत चीजों की तरफ दिमाग जाता है, तो कोई साहब होंगे वो कुरान को लिखेंगे नंबर, हाँ नंबर में लिखेंगे, जैसे नंबर बनाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के क्या नंबर है 786, और लोग बोलते देखो एग्जाम में जा रहे हैं पेपर पे बिस्मिल्लाह तो नहीं लिख सकते, इसलिए मैं 786 लिख देता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि ये दीन का मसला है कि दुनिया का मसला है, कि कोई आपका पेपर है आपको जो जो नंबर लिखना लिख सकते हो आगे, लेकिन जो चीज़ दीन की नियत से लिखते हो वो दीन वाली बात। 786 का नंबर क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था या नहीं था? था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लिखा 786? नहीं लिखा। क्या कोई और नंबर लिखा जैसे 92 नंबर नहीं लिखा? ये नंबर तो थे, और अलिफ बा ता सा की जो नंबर की वैल्यू है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले से था, अलिफ का ये नंबर ये अरबों में पहले से चलता था, लेकिन वो नंबर सिस्टम को कुरान पर अप्लाई किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, सहाबा इकराम ने नहीं किया, बाद में जाकर किसी को ये आइडिया है ना कि ये नंबर नंबर लिख दो, तो ये दीन में नई चीज है क्या? नहीं, दीन का मुकम्मल हुआ आपके जमाने में, मुकम्मल हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुआ तो मुकम्मल होते टाइम तक भी ये नंबर सिस्टम नहीं आया, ये बहुत बाद में आया, तो ये दीन में नई चीज है। और अगर नंबर से काम होता है तो जरा बताओ तरावी में हम लोग इतनी ज्यादा मुश्किल क्यों झेलते हैं? इमाम साहब जो इतनी लंबी लंबी तिलावत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलता है, हमें सुनने का भी सवाब मिलता है ना, तिलावत को इमाम ही खिलाफ को मतलब जो इमाम खिलाफ कर खिलाफ करता है पीछे वाले के लिए वो खिलाफ हो जाती है, तो उतना सवाब मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हर्ज नहीं उसमें। लेकिन इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं? डायरेक्ट इमाम साहब बोले कि बिस्मिल्लाह का टोटल 786, तो पूरे कुरान का भी तो टोटल मार सकते हैं, पूरे कुरान का टोटल इतने करोड़ इतने लाख इतने हजार, डायरेक्ट बोल देंगे पूरे कुरान का जो 786 से बिस्मिल्लाह का सवाब मिलता है तो पूरे कुरान का टोटल बोल देंगे पूरे कुरान का सवाब मिल जाएगा। लेकिन ये आइडिया गलत आइडिया, कुरान में इसमें से दलील नहीं, मसला ये भी सोचो कि बिस्मिल्लाह के अंदर बा की वैल्यू है, सीन की वैल्यू है, अब अगर सब चीज अदली बदली उल्टी आगे पीछे हो जाए तो टोटल सेम रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, और जैसे मिसाल के तौर पर 2+2 मिलाते तो 4 होता है, 3++1 मिलाते तो भी 4 होता है, तो अगर कुछ ये हरूफ को निकाल कर कुछ और हरूफ डालेंगे और वैल्यू मैच करते जाएंगे तो भी टोटल सेम होता है। तो किसी ने जाके चेक किया कि हरे कृष्णा वगैरह कुछ इस तरह की चेकिंग है, कौन से वर्ड से किसे याद है, तो उसका टोटल भी 786 है। अब देखो मेरे भाइयों, ये चीज गलत सिस्टम है ही, साबित ही नहीं, इसमें जाएंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाह लिखो, बिस्मिल्लाह लिखने में कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खत भेजे थे ना उसमें बिस्मिल्लाह लिखा था, हाँ अगर कहीं पर आप नहीं लिखा है तो पढ़ के जाओ बिस्मिल्लाह भी काफी है, कोई मसला नहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो चीज साबित नहीं है वो कर रहे हैं। अब कोई है जो कुरान का तावीज बनाता है, तो कुरान शिफा है ना, ये आयत पढ़ते हैं, जो आयत मैंने पढ़ी ना ये आयत बोलो पढ़ते हैं, क्योंकि कुरान तो शिफा है, तो कुरान का तावीज बनाते हैं और तावीज बनाकर भी यूज करते हैं। हम कहते हैं जरा ये बताओ ये दीनी मसला है कि दुनियावी मसला है? जैसे अब मुझे ये कलर का शौक पहनना था, आपको व्हाइट कलर का पहनना था, ये दुनियावी मसला है, ये कोई दीनी मसला नहीं है, इसके अंदर कोई दीनी बेकार और पहनने में फजीलत नहीं बता रहे हम लोग। यहाँ बात यह है कि जो ताबीज जो बना रहे हो ये कौन सा मसला है, ये दीनी मसला है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया क्या? जैसे मिसाल के तौर पर हर चीज का तरीका होता है, दवा में शिफा होती है अल्हम्दुलिल्लाह, होती है नहीं भी होती अल्लाह की मर्जी से, लेकिन कुछ चीज होती है। आप कोई अगर दवा लेकर आए डॉक्टर साहब के पास से, उसको पूरी बता रहे और ताबीज बना कर पहने तो शिफा मिल जाएगी, नहीं नहीं तरीका थोड़ी सी नहीं, तरीका क्या है? तरीका ये है कि दवा के अंदर पीना पड़ेगा, वो भी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया वैसे भी होगी तो फायदा होगा। तो मेरे भाइयों ये दवा के बारे में तो समझना भी आ रही है, कुरान का भी तो तरीका है, शिफा लेने का तरीका है,
कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ किया कि तख्ती पे लिख करके लगा दिया घर के कोने में? किया ऐसा? नहीं किया। कहीं ऐसा उन्होंने किया कि कुरान की आयतों को लिखकर गले में पहन लिया? नहीं किया। कहीं दलील उल्टा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये कहा, उनके सामने 10 लोग आए, 10 में से 9 लोगों ने शहादत दी, बैत लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत कबूल की, 10वां जब आगे बढ़ा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं ली उसकी बैत नहीं हुई। उसने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जो तुमने गले में लटका है वो क्यों उतारो? और फिर कहा मन अल्लाका तमीमतन फकद अशरका, जो तमीमा ताबीज तमीमा लटकाया था उसने शिर्क किया, उसने शिर्क किया। तो यहाँ क्या हो गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तमीमा लटकाओगे सिर्फ कुरान वाला ताबीज लटकाओगे तो चलेगा, बाकी तमीमा लटकाओगे तो शिर्क किया, ऐसा नहीं कहा। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे के सारे तमीमा ताबीज जितने भी टाइप के हैं सबके बारे में कह दिया ये शिर्क। तो ये क्या है, ये साबित नहीं है, ये तख्तियां लगाना ये साबित नहीं है। अरे भाई क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था? हमें पता चल गया। जरा सोचो क्या कुरान में क्यों नहीं आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 सदी में क्यों नहीं बताया? सहाबा इकराम आपसे उनसे बेहतर समझते थे। जो सहाबा इकराम के बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के बारे में बयान किया जाता है कि वो अपने बेटे के गले में लटकाते उसकी सनद ज़ईफ है, सही हदीस से साबित नहीं है, हदीस सही होना जरूरी है। अगर ऐसा करेंगे तो ऐसी भी हदीस मिलेगी कि अबू का चूमो हदीस सही से नहीं है, लेकिन वो चूमने की हदीस सही नहीं है अबू का चूमने की ना। तो अगर ऐसा करेंगे तो ऐसी भी हदीस मिलती है कि सफ़ेद कबूतर पालने वाले को जन्नत मिलेगी ना। इमाम तबरानी ने इस हदीस को किताब अल-अवसत में जमा किया लेकिन हदीस की सनद सही नहीं है। तो हदीस है तो सफ़ेद कबूतर भी पालो ना, फिर वो तख्ती के साथ साथ एक सफ़ेद कबूतर भी लेकर आओ। लेकिन सही बात क्या है कि हदीस सही नहीं है, ऐसे कई लोग होते हैं जो कुरान की जब आयतों को सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये एक हकीकत है। तो जो लोग इंसानों के लिए दर्द रखते हैं, अब आप अगर दावत देना है, इससे पिछला पॉइंट क्या है दावत देना, तो याद भी करो मैं आप सबको बताता हूँ कि देखिए कुरान से कोशिश ये करो कुछ मिला तो याद करने की कोशिश करो। शिर्क का मौजू है, तौहीद का मौजू है, तौहीद के मुताबिक आए थे याद करो क्या आपके लिए है। अभी तक आपको मैं बात प्यारी हदीस सुना नहीं माजा में सही समय से सुना था हदीस रास हमने कहा युकालू लिसाहिब कुरान इदा दखल अलजन्ना, कुरान वाले से कहा जाएगा जब वो जन्नत में दाखिल होगा, जब कुरान वाला या कुरान पर चलने वाला, कुरान पर अमल करने वाला, कुरान के मुताबिक जीने वाला और कुरान के साथ साथ हदीस भी, तो हदीस रास हमने कहा उससे कहा जाएगा जब वो जन्नत में जाएगा एक कुरान बस आगे ये कुल आयतें दर्जा पढ़ो और चढ़ो ऊपर, हर आयत जो पढ़ोगे उसके लिए एक दर्जा ऊपर जाओ, हर आयत के लिए एक दर्जा ऊपर। फयक्रहु यस्अदु बिकुल आयत दर्जा हत्ता यक्रा आखिर शैमा, तो वो पढ़ते जाएगा चढ़ते जाएगा हर आयत के लिए एक दर्जा ऊपर, यहाँ तक आगे आखिरी आयत जो उसे पता है वो पढ़ ले पत्थर ऊपर चढ़ते जाए। ये होगा तो मेरे भाइयों कुरान क्या है ना, मन जीनी जिंदगी में भी मदद करता है, मरने के बाद भी काम आएगा ना, पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। तो हैबिट बनाओ और ये मत बोलो नहीं नहीं मुझे याद नहीं होता ना, याद करो। कुरान का मामला कैसा है ना कि थोड़ा थका लगाओगे ना तो याद होना होते जाएगा, इजी स्पीड पे करो। ऐसे भी लोग हैं थोड़ा देख लेते ना तो उनको याद हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कुरान हिफ्ज नहीं कर लेते, ये अल्लाह की खुशी मदद है। तो मेरे भाइयों क्या करो कि कोई आयत अभी सुने आपने तो आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह कितने किताब चाहिए पैम्फलेट्स नोट्स पीडीएफ वगैरह क्या क्या मिल जाए, तो लिख करके पढ़ते जाओ याद करो। यहाँ से जाके ऑफिस वहाँ तक एक आयत याद करें, दो आयतें याद करें, याद करो और रिविजन करो, हैबिट बनाओ रिविजन करो। तभी सलाह हमने कहा दाहदुल कुरान, कुरान का रिविजन किया करो। फैनहु अशद्द तफसीन मिन इब्नि फी उकुरिहा, क्योंकि कुरान तो ऊँट को खुला छोड़ो तो कितनी स्पीड में वो चले आएगा, उससे ज्यादा स्पीड में कुरान चले आते ऊँट है ना, ऊँट अगर उसको खुला छोड़ते हैं ना तो कैसे बात करा ना, खुला छोड़े ना वही पर खड़ा देख रहे हैं खड़ा है, देखिए खड़ा है फिर देख रहे हैं देख, तो कुरान ऐसे आता है
मैंने कोई अगर रिवीजन नहीं करा है, आपने फला साल में वो आयत याद की, बोले याद है क्या? हाँ याद है, याद है क्या? याद है, याद है, अरे भूल गया, याद नहीं आ रहा है, ऐसे याद। वो तो जो भागता है तो जैसे वो स्पीड में जो भागा उससे फास्ट स्पीड में पढ़ा जाए, तो कुरान में जो कुछ याद किया ना उसका रिविजन किया। मेरे भाइयों की कुछ बातें थी, आखिर में मैं आपको दो हदीसें सुनाकर खत्म करूंगा। पहली हदीस हदीस और इकरार सुनाकर खत्म करूंगा। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल कुरान हुज्जत लका व अलैका, कुरान हुज्जत है तुम्हारे लिए या कुरान हुज्जत है तुम्हारे खिलाफ। ये कुरान हुज्जत है, प्रूफ है, तुम्हारे लिए प्रूफ है या तुम्हारे खिलाफ प्रूफ। यहाँ मैं तो था उसके पास, घर में था ना, मस्जिद में जाता था, मुझे दिखाई नहीं आ सकता। हुज्जत है तुम्हारे लिए या तुम्हारे खिलाफ, मोबाइल में भी था उसके ना, तुम्हारे लिए हुज्जत है, प्रूफ है, हाँ कुरान है ना मेरा प्रूफ, या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत है। एक और हदीस में भी सासन ने कहा, इन्नल्लाह यरफाउ की हादिल किताब अक्वामन व यदौ बिही आखरीन, अल्लाह ताला इस किताब से कौमों को उठाता है और इसी किताब की वजह से कौमों को गिरा देता है। कुछ कौम उठती है इस किताब की वजह से, कुछ कौमें गिरी है इस किताब की वजह से। आखिर में मैं यूसुफ अल फुरकान की रात पर खत्म करता हूँ। सूरह 25 आयत 29 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने बताया कि वकाल रसूल, रसूल कहेंगे